नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। मरुधरा की सियासत में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की जंग हर वक्त एक नया मोड़ लेती जा रही है, जहां सचिन पायलट अब सुप्रीम कोर्ट में बड़ा पेच अटकाने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत अब नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कुल मिलाकर राजस्थान का मौजूदा सियासी परिदृश्य देखकर यह ज्ञात होता है कि राजस्थान में वैसी स्थिति बन चुकी है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। खैर, देखना होगा कि अब इसमें किस प्रकार का निर्णय निकल कर आता है, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरीके से पेच फंसाया गया है उसको समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान का सियासी महासंग्राम अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है। पायलट गहलोत का सियासी भविष्य अब कानून की किताबों में उलझ चुका है, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने पायलट सहित 19 बागी विधायकों के हाईकोर्ट जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की, तो पायलट कैंप के बागी कुनबे ने भी कैवियट लगाकर पूरे मामले पर पेच फंसा दिया। खैर, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस सियासी महासंग्राम को लेकर जिरह भी हुई, लेकिन अभी हाल ही में इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर नहीं हो पाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर सोमवार तक का इंतजार करने के लिए कहा है, वहीं हाई कोर्ट के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट ने रोकने से इनकार किया है। कुल मिलाकर पायलट के बागी कुनबे के लिए इसे फौरी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। सियासत के जानकार बताते हैं कि राजस्थान सरकार का सियासी संकट भी अब कर्नाटक की तर्ज पर कोर्ट में जा चुका है, लिहाजा माननीय अदालत के फैसले के इंतजार के अलावा और कुछ भी संभव नहीं है। आपको बता दें कि पायलट गहलोत दोनों ही गुट अब इस पूरे प्रकरण पर कानून के जानकारों से दांव पेच लगाने का हर तरीका ढूंढ रहे हैं, ताकि किसी तरीके से मामले को पक्ष में किया जा सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद गहलोत कैंप नई रणनीति बनाने में जुट गया। गहलोत फेरामाउंट होटल में विधायकों से लंबी मंत्रणा की। वहीं खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री गहलोत सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं, जिसमें गहलोत विधायकों का नंबर बताकर बाजी जीतने का संकेत देंगे। कुल मिलाकर यह मरुधरा का सियासी गेम अब पूरी तरीके से उलझ चुका है, और पायलट के पर्दे के पीछे के खेल से यह साफ होता है कि पायलट इस गेम को उलझाना ही चाहते थे, लिहाजा पायलट काफी हद तक कामयाब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत हर मोर्चे पर माकूल जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। खैर, अब सभी की निगाहें न्याय की चौखट पर टिक गई हैं, क्योंकि इंसाफ का फरमान अब वहीं से सुनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट की किस तरीके से अब पार्टी की जो कलह है वो अब कोर्ट की चौखट पर अटक गई है, लिहाजा इंतजार करना होगा सोमवार तक का। सोमवार का दिन भी बेहद अहम है। इसी के साथ साथ कल भी हमारी निगाहें हाई कोर्ट के फैसले पर रहेंगी कि आखिर हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। लिहाजा अभी किसी भी प्रकार की निर्णायक स्थिति नहीं बन पाई है। राजस्थान के सियासी महासंग्राम से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपके समक्ष लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।